लिनक्स प्रक्रियाओं यानि लिनक्स प्रोसेसर में प्रचालन पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं उबंटु 10.04 का उपयोग कर रही हूँ। हम यह मानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने के बारे में आपको जानकारी है और कमांड्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी है। यदि आप इच्छुक हैं तो निम्नलिखित वेबसाइट http://spoken-tutorial.org पर यह दूसरे स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से उपलब्ध है। यह भी ध्यान रहे कि लिनक्स केस सेंसिटिव है। इस ट्यूटोरियल में उपयोगित सभी कमांड लोअर केस में हैं, अन्यथा कथित हैं। प्रक्रिया क्या है यह समझने के लिए मैं आपको एक संक्षिप्त विवरण देती हूँ। जो कुछ भी लिनक्स में चलता है प्रक्रिया कहलाती है। शेल जो चल रही है और हमारी कमांड ले रही है एक प्रक्रिया है। कमांड जो हम टर्मिनल पर टाइप करते हैं वह प्रक्रियाएं हैं जब वे चल रही हैं। वीडियो जिसमें आप यह ट्यूटोरियल देख रहे हैं एक प्रक्रिया है। जो ब्राउजर चल रहा है जिसमें आपने स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट खोली है एक प्रक्रिया है। शेल स्क्रिप्ट्स जो चल रही हैं प्रक्रियाएं हैं आदि। प्रक्रिया को प्रोग्राम के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जो निष्पादित किया जा रहा है वह जो चल रहा है। प्रक्रियाएं अधिकतर हमारे समान हैं। वे जन्म लेती हैं, वे मरती हैं, उनके अभिभावक और संतान होती है। पहले हम शेल प्रक्रिया के बारे में सीखते हैं। शेल प्रक्रिया लिनक्स कर्नल से शुरू होती है ज्यों ही हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं। इस स्तर पर यह जानना काफी होगा कि लिनक्स कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है। यह अति महत्वपूर्ण घटकों से बना है जो लिनक्स को चलाता है। शेल अन्य सभी यूजर कमांड प्रक्रियाओं को रचती या जन्म देती है। अब टर्मिनल को खोलते हैं। डॉलर चिन्ह के रूप में हम कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल पर देख सकते हैं। यह शेल प्रक्रिया का काम है। अब कोई भी कमांड टाइप करें, मानिए डेट, और एंटर दबाएं। जो ही हम यह करते हैं शेल प्रक्रिया डेट नाम की एक प्रक्रिया की रचना करेगी। अब क्योंकि शेल प्रक्रिया ने डेट प्रक्रिया को जन्म दिया है हम कह सकते हैं कि शेल प्रक्रिया डेट प्रक्रिया की अभिभावक है तथा डेट प्रक्रिया शेल प्रक्रिया की संतान है। एक बार डेट प्रक्रिया ने सिस्टम को डेट और समय दिखा दिया यह मर जाती है। एक शेल अन्य शेल प्रक्रिया को भी जन्म दे सकती है। प्रक्रिया को जन्म देना या प्रक्रिया की रचना करने को स्पॉनिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। अन्य शेल प्रक्रिया को बनाने के लिए केवल टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें sh और एंटर दबाएं। हम टर्मिनल पर देख सकते हैं नए प्रॉम्प्ट को। अब हमारी प्रारंभिक शेल, इसे शेल वन कहें, जिसने चाइल्ड शेल या सब शेल को जन्म दिया है, इसे शेल टू कहें। अब आप नए कमांड प्रॉम्प्ट में भी कमांड चला सकते हैं। इस नए कमांड प्रॉम्प्ट में ls कमांड चलाएं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर ls टाइप करें और एंटर दबाएं। हम डायरेक्टरीज और फाइल्स की सूची देख सकते हैं। अब ls नाम की एक नई प्रक्रिया बनी है। यहाँ शेल 2 ls का अभिभावक है जबकि शेल 1 ls का पितामह है। ls शेल 2 की संतान है जबकि शेल 2 खुद शेल 1 की संतान है। शेल 2 को नष्ट करने के लिए केवल नए प्रॉम्प्ट पर एग्जिट टाइप करें और एंटर दबाएं। यह शेल 2 को नष्ट कर देगा और हम अपनी प्रारंभिक कमांड प्रॉम्प्ट पर वापस आ जाएंगे। हमारे और प्रक्रियाओं के बीच की समानताओं को जारी रखते हैं। हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक में कुछ गुण होते हैं जो हमारी पहचान बताते हैं। वो गुण हमारा नाम, अभिभावक का नाम, जन्म दिनांक, पैन कार्ड संख्या आदि हो सकते हैं। उसी तरह प्रक्रियाओं के भी गुण होते हैं, जैसे पीआईडी, पीपीआईडी, स्टार्ट टाइम आदि। इसमें से अधिकतर गुण कर्नल द्वारा प्रक्रिया टेबल में पोषित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रक्रिया एक विशिष्ट पूर्णांक के द्वारा विशिष्टतापूर्ण निर्धारित होती है, पीआईडी कहलाती है। पीआईडी कर्नल द्वारा आवंटित की जाती है जब प्रक्रिया जन्मती है। पेरेंट प्रोसेस की पीआईडी जो नई प्रक्रिया पैदा करती है, मानिए कि पी1 प्रक्रिया की पीपीआईडी कहलाती है,
वर्तमान शेल की पीआईडी देखने के लिए प्रोंप्ट पर एको स्पेस डॉलर डॉलर टाइप करें और एंटर दबायें। एक संख्या दिखाई देगी, यह वर्तमान शेल की पीआईडी है। एक कमांड जिसका हम ज्यादा उपयोग करेंगे जब प्रक्रियाओं के बारे में बात होगी वह पीएस कमांड है। पीएस या प्रोसेस स्टेटस कमांड है जो सिस्टम में रन हो रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करती है। अब देखें कि क्या होता है यदि हम इस कमांड को बिना किसी पर्याय के चलाते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट पर पीएस टाइप करें और एंटर दबाएं। इस तरह हम साधारणतः यूजर द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम से स्वामित्व सभी प्रक्रियाओं की सूची देख पाएंगे। आप सीएमडी शीर्षक के अधीन प्रक्रिया का नाम देख सकते हैं। इसके अलावा आप पीआईडी टीटीवाई या कंसोल जिसमें प्रक्रिया टाइम चला रही है भी देख सकते हैं। वह पूर्ण प्रोसेसर समय है जो कि प्रक्रिया की शुरुआत से इस्तेमाल किया गया। मेरी मशीन पर यह दो प्रक्रियाएं दिखा रहा है। एक बैश है जिस शेल प्रक्रिया का हम अब उपयोग कर रहे हैं, दूसरी स्वयं पीएस प्रक्रिया है। ध्यान रखने लायक यहाँ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शेल प्रक्रिया की पीआईडी समान है जो कि इको स्पेस डॉलर डॉलर कमांड द्वारा दिखाई दी है। यदि हम सब शेल बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। टर्मिनल पर sh टाइप करें और एंटर दबाएं। अब नए प्रॉम्प्ट में जो कि नई रेखा में दिखाई पड़ता है ps टाइप करें और एंटर दबाएं। अब हम सूची में तीन प्रक्रियाएं देख सकते हैं। प्रक्रिया sh जोड़ दी गई है। यहाँ फिर से ध्यान दें कि bash प्रक्रिया की pid पहले की तरह समान है। ps कई पर्यायों के साथ आता है जो अब हम देखेंगे। पहला पर्याय हमें सूचीबद्ध प्रक्रियाओं के लिए अधिक गुणों का प्रदर्शन दिखाई देगा। अब प्रॉम्प्ट पर ps space minus f टाइप करें, एंटर दबाएं। फिर से पिछले केस की तरह तीन प्रक्रियाओं की सूची बनेगी, bash, sh और psf। भिन्नता केवल यह है कि अब अधिक गुण सूचीबद्ध हैं। uid उस यूजर का यूजरनेम देती है जिसने प्रक्रिया की शुरुआत की। यह PPID भी दिखाता है जो कि अभिभावक की PID है जिसने प्रक्रिया की रचना की। उदाहरण स्वरूप देखिए, वह बैश प्रक्रिया SH प्रक्रिया का अभिभावक है, इसलिए बैश की PID SH प्रक्रिया की PPID के समान है। उसी प्रकार क्योंकि SH प्रक्रिया PS का अभिभावक है, SH प्रक्रिया PID PS-F प्रक्रिया की PPID के समान है। C प्रोसेसर के उपयोग के लिए मौजूद है। इस समय यह प्रक्रिया के जीवन पर्यंत प्रोसेसर की प्रतिशत प्रयोग का पूर्णांक वैल्यू है। यह 0 के रूप में प्रदर्शित होगा। इस केस में उपयोग बहुत कम है। टाइम क्षेत्र समय बताता है जिस समय प्रक्रिया शुरू हुई। बाकी हम पहले ही देख चुके हैं जब PS चलता है। प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली यूजर प्रोसेसेस हैं जो यूजर द्वारा शुरू की जाती हैं। उदाहरण स्वरूप पीएस अथवा उस कारण कई कमांड जो हमने टर्मिनल पर चलाई हैं। दूसरी सिस्टम प्रोसेसेस होती हैं जो प्रक्रियाएं सिस्टम स्टार्टअप या यूजर लॉगिन के दौरान प्रायः सिस्टम द्वारा शुरू की जाती है। सिस्टम प्रक्रिया का उदाहरण बैश होता है, हो सकता है कभी कभी हम सभी प्रक्रियाएं सिस्टम प्रक्रियाएं साथ ही साथ यूजर प्रक्रियाएं दोनों देखना चाहते हैं, तब हम माइनस ई या माइनस कैपिटल ए ऑप्शन का उपयोग करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और प्रॉम्प्ट पर पीएस स्पेस माइनस ई टाइप करें, एंटर दबाएं। हम प्रक्रियाओं की लंबी सूची देख सकते हैं। मल्टी पेज डिस्प्ले पाने के लिए प्रॉम्प्ट पर केवल टाइप करें ps space minus e space vertical bar space more और एंटर दबाएं। जैसा हमने पहले देखा कि मोर यह करेगा कि अधिक से अधिक सूचीबद्ध प्रक्रियाएं एक विंडो में बैठ सकें। जैसे ही हम एंटर दबाते हैं हम प्रक्रियाओं की पूर्ण सूची स्क्रोल
करते हैं। इस सूची में प्रथम प्रक्रिया दिलचस्प है, इसे init प्रक्रिया कहते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिससे अधिकतर सभी अन्य प्रक्रियाएं बनती हैं। इसमें 1 का PID है। प्रॉम्प्ट पर वापस आने के लिए Q दबाएं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने प्रक्रिया, शेल प्रक्रिया, प्रक्रिया का जन्मना, प्रक्रियाओं के गुणों तथा प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखा। हमने PS कमांड के उपयोग के बारे में भी सीखा। इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को समाप्ति की ओर ले जाती हूँ। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे भारत सरकार के MHRD मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने ICT के माध्यम से समर्थित किया है। इस पर अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र केरवान द्वारा अनुवादित है तथा IIT बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।